कांग्रेस के स्टार प्रचारक व छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल 2 मार्च को गाजीपुर के कसिमबाग के जहूराबाद विधानसभा में 12:05 बजे चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। सदर विधानसभा की नई सब्जी मंडी में आयोजित कांग्रेस की रैली को प्रशासन से नहीं मिली इजाज़त। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी लोटन राम निषाद ने भाजपा पर लगाया आरोप। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से मेहताब आलम की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। देखिए प्रधानमंत्री क्या संबोधित करेंगे, वो करेंगे जब पूरे सरकारी उपक्रम और संस्थान ये बेच रहे हैं। इन्होंने राष्ट्रवाद की बात किया, लेकिन आज पूरे संसाधनों को जो है गुरु गोलकर की जो की विचारधारा रही है उसके आधार पर जो है अडानी और अंबानी के हाथों में नीलाम करके देश को बर्बादी की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं। आप देखिए 3 तारीख को हमारे कार्यक्रम के लिए भी परम आदरणीय भूपेश बघेल जी आ रहे हैं। 2 तारीख को भी उनका कार्यक्रम जो है MH स्कूल के बगल में जो फुटबॉल का मैदान है वहां पर कार्यक्रम आ गया था, लेकिन यहां का जिला प्रशासन जो है लौटन राम के आने से जो है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। जिलाधिकारी ने कह दिया कि मैं परमिशन दे करके मैं अपनी नौकरी नहीं गवाऊंगा। और समाजवादी पार्टी का भी ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया लौटन राम के आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया इतिहास जुड़ गया कि सबसे लास्ट में गाजीपुर सदर का सपा का प्रत्याशी घोषित किया गया, क्योंकि लौटन राम निषाद सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है।